ओके, लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस और लेमास बोल सकते हैं एक्चुअली इनको. ठीक है, इफ बाउंडेड फंक्शंस f1 एंड f2 आर इंटीग्रेबल इन ए कॉमा बी, देन शो दैट f1 प्लस f2 इज ऑल्सो इंटीग्रेबल इन ए कॉमा बी. ठीक है, तो ये आसानी से ठीक है. एंड ऑल्सो प्रूव दैट ए टू बी f1 प्लस f2 dx इज इक्वल्स टू ए टू बी f1 dx प्लस ए टू बी f2 dx. ठीक है, आसान है. जो हमने डिस्कस की डरबॉक्स थ्योरम से ये कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? अच्छा देखो, अगर लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी इनफिमम एंड सुप्रीमम ऑफ f1 प्लस f2, लेट अस कॉल दिस एफ. ओके, एंड एम आई या एम आर ही बोल दो, एम आर डबल डेज बी इनफिमम ऑफ f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, अच्छा ये सब जो इन्फिमम सुप्रीमम देख रहे हैं, एक कौन से इंटरवल में देख रहे हैं? सब इंटरवल में देख रहे हैं. ठीक है, बी इन्फिमम सुप्रीमम ऑफ f1 प्लस f2 इन सब इंटरवल डेल एक्स आर. ठीक है, इसमें जो सब इंटरवल हमारा एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, इसके अंदर जो f1 प्लस f2 है उसके बेसिकली मिनिमम जो है वो एम आर है, वो मैक्सिमम कैपिटल एम आर है. ऐसे ही इन्फिमम एंड जो सुप्रीमम है, सॉरी इन्फिमम f1 का इन्फिमम एम आर डेस है और f2 का इन्फिमम स्मॉल एम आर डबल डेस है. ऐसे ही कैपिटल एम आर डेस और कैपिटल एम डबल आर डेस बी सुप्रीमम. ठीक है, सुप्रीमम ऑफ f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो क्या होगा? देन देखो, f1 प्लस f2 है. ठीक है, ये जो है इसका मिनिमम, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो f1 की मिनिमम है और f2 की मिनिमम है, उससे तो ज़्यादा ही होगी. सो बेसिकली ये दिस विल बी ग्रेटर देन एम आर डेल एक्स आर इंटरवल में हम ये सब देख रहे हैं. ठीक है, बट दैट विल बी बेसिकली दिस एम आर विल बी ग्रेटर देन एम आर डेस प्लस एम आर डबल डेस. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. जैसे मान लो f1 हमने x ले लिया और f2 माइनस x ले लिया, तो ये ज़ीरो हो गया ना, तो ज़ीरो ही हो गया भाई. f1 प्लस f2 तो ज़ीरो ही हो गया. अब देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू f1 की मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है. मान लो माइनस वन से वन के बीच का इंटरवल ले रहे हैं, तो माइनस वन हो जाएगी, जो ऑफ कोर्स ज़ीरो से कमी है. ठीक है, ऐसे ही अगर इसकी मिनिमम वैल्यू देखी जाए तो ये भी माइनस वन होगी. तो दोनों की अगर मिनिमम वैल्यू करें इसमें f1 प्लस f2 की सेपरेटली करके, f1 की मिनिमम वैल्यू माइनस वन है और इसकी माइनस वन, अगर दोनों को जोड़े तो माइनस टू आएगी, बट f1 प्लस f2 की मिनिमम वैल्यू जीरो ही है. इसका मतलब ये तो इससे लेस होगी. सिमिलरली वी कैन से कि ये, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम आर है, पर देखो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोनों की इंडिविजुअली वो ज़्यादा ही होगी, एम आर डेज प्लस एम आर डबल डेज. ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है. इसमें भी देख लो, जैसे कि f1 प्लस f2 तो जीरो ही हो गया, बट मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्लस वन हो सकती है, इसकी प्लस वन हो सकती है, तो प्लस टू होगी, विच इज ग्रेटर ऑफ कोर्स जीरो से. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आता है. तो ये इनइक्वालिटी तो होल्ड हो गई, अगर ये समझ में आता है तो ये प्रूव भी हो गया. अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, हम थ्रू आउट डेल एक्स आर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस एम आर डबल डेज,
चेंज इन एक्स आर, स्मॉल एम आर चेंज इन एक्स आर, एफ वन प्लस एफ टू चेंज इन एक्स आर लेस देन एम आर चेंज इन एक्स आर, ठीक है, दैट इज लेस देन एम कैपिटल एम आर डेज प्लस एम आर डबल डेज, अच्छा ये भी कैपिटल ही है, और चेंज इन एक्स आर, ठीक है ये हो गया। अब इस पे समेशन लगा दिया सर, ठीक है समेशन लगा दिया सर, ये क्या बगे बन गए, ये ड्रोबोक्सम बन गए, तो देखो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, समेशन एम आर डेज चेंज इन एक्स आर प्लस समेशन एम आर डबल डेज चेंज इन एक्स आर, वेर आर वेरीज फ्रॉम वन से हैं, ठीक है ये दिस इज लेस देन समेशन एम आर, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लोअर ड्रॉपबॉक्स सम विद कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो पार्टीशन हमने किया है डेल एक्स आर जो है बेसिकली ये कोई पार्टीशन है ना, एक्स जीरो एक्स वन ऐसे करके एक्स आर सो वन एक्स एन तक, ठीक है वेयर दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो उसका एक पार्टीशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो ये सब हमने लिखा है, सो दिस इज लोअर ड्रॉपबॉक्स सम ऑफ जो एफ वन प्लस एफ टू फंक्शन है उसको हमने एफ बोला है, ठीक है दिस विल बी लेस देन, इसको भी क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है इसकी तो जो पड़ेगी नहीं हमें, ये जो है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एम आर डेज चेंज इन एक्स आर का समेशन प्लस एम आर डबल डेज चेंज इन एक्स आर, आर वन से एन वन से, ठीक है बस। अब ये क्या है देखो, ये दिस इज नथिंग बट लोअर ड्रॉपबॉक्स सम ऑफ एफ वन, क्योंकि ये एफ वन के इनफिमम का समेशन हो रहा है, दिस इज लोअर ड्रॉपबॉक्स सम ऑफ एफ टू दैट इज लेस देन लोअर ड्रॉपबॉक्स सम ऑफ पी एफ दिस इज लेस देन, अच्छा ये जो है इससे पहले ये भी तो है बेसिकली कैपिटल एम आर डेल एक्स आर का समेशन, सो दिस इज नथिंग बट यू पी एफ अपर ड्रॉपबॉक्स सम ऑफ पी एफ दैट इज लेस देन यू पी एफ वन प्लस यू पी एफ टू, जस्ट वैल्यू पुट कर दी बस ये हो गया काम हमारा। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो यू पी एफ है, यू पी एफ यू पी एफ ठीक है यू पी एफ इज लेस देन यू पी एफ वन प्लस यू पी एफ टू, ये हमने इससे लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये देखो ये जो ये चीज़ है इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये चेंज हो जाएगा सिंबल, ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एल पी एफ, ठीक है ये ग्रेटर है इस एल की तरफ सो लेस हो जाएगा, उस पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सो माइनस एल पी एफ वन माइनस एल पी एफ टू, ठीक है। अब इसको अगर ऐड किया जाए तो ये क्या आएगा, यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन, यू पी एफ वन इसको ऐसा कर दो माइनस, ठीक है ये हो गया एल पी एफ वन, ठीक है प्लस यू पी एफ टू माइनस एल पी एफ टू, ये हो गया ठीक है। अच्छा ये इसको लेट अस कॉल वन, एज एफ वन इज इंटीग्रेबल इंटीग्रेबल, एफ वन एंड एफ टू आर इंटीग्रेबल, दोनों इंटीग्रेबल है, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो क्या होगा, बेसिकली यू पी एफ वन माइनस एल पी एफ वन इसका जो मॉडुलस होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है ऐसा बोल सकते हैं,
एंड यू पी एफ टू माइनस एल पी एफ टू, इसका मॉडुलस विल ऑल्सो भी लेस देन एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाई टू। ये हम इंटीग्रेबिलिटी जो कंडीशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की उससे वी कैन से दिस। ठीक है, अब इसका यूज कर, इसको चलो दो बोल दो। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, देखो अगर इस ये जो है इसका मॉडुलस कर दिया सर पूरा, सो मॉडुलस ऑफ यू पी एफ माइनस एल पी एफ विल बी लेस देन मॉडुलस ऑफ, अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी से क्या बोल सकते हैं कि देखो, अच्छा ये ऐसा कर सकते हैं बिकॉज ये टर्म जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, यू पी एफ तो एल पी एफ से बड़ा ही होगा, ठीक है, तो ये मॉडुलस लिया जा सकता है। अब देखो वी नो दैट कि ए प्लस बी का जो मॉडुलस होता है दैट इज लेस देन मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी विल यूज दिस हियर। सो इसको लिखते हैं यू पी एफ वन माइनस एल पी एफ टू, ठीक है, का मॉडुलस प्लस यू पी एफ टू माइनस एल पी एफ टू का मॉडुलस, बट दिस पार्ट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सो ये तो इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन है, ठीक है। सो एफ विच इज एफ वन प्लस एफ टू इज इंटीग्रेबल, ठीक है, आई होप समझ में आती है। अच्छा इससे पहले एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, देखो इंटीग्रेबिलिटी हम तभी डिस्कस कर पाएंगे, मतलब रैमल इंटीग्रेबल तभी होता है जब फंक्शन बाउंडेड हो, तो ये लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी देखो, क्योंकि एफ वन एंड एफ टू बाउंडेड है, एस एफ वन एंड एफ टू आर बाउंडेड, सो एफ वन प्लस एफ टू इज ऑल्सो बाउंडेड, सिंपल है तो, ठीक है ये लिखना पड़ेगा बस। कैसे ऐसा बोल सकते हैं कि एफ वन का मॉडुलस जो होगा वो लेस देन के वन होगा, मॉडुलस ऑफ एफ टू लेस देन के टू होगा, तो एफ वन प्लस एफ टू का जो मॉडुलस होगा ट्राइंगुलर से लेस देन मॉडुलस एफ वन प्लस मॉडुलस एफ टू दैट इज के वन प्लस के टू, इसको कुछ के बोल दो, ठीक है। सो आई होप समझ में आता है। अब सेकेंड पार्ट भी इसका सेंस प्रूव कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट भी प्रूव किया जा सकता है इसका। सेकेंड पार्ट क्या है कि अब इंटीग्रेबल तो है ये, पर अब ये प्रूव करना है कि एफ वन प्लस एफ टू का जो इंटीग्रेशन होगा ए से बी तक दैट विल बी इक्वल्स टू एफ वन डी एक्स ए टू बी प्लस ए टू बी एफ टू डी एक्स, ये प्रूव करना है। तो ये किया जा सकता है बेसिकली, देखो ये इंटीग्रेबल है, फंक्शन इंटीग्रेबल है, इसका मतलब क्या हुआ एफ वन और एफ टू इंटीग्रेबल है और एफ वन प्लस एफ टू भी इंटीग्रेबल है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। देखो अगर एफ वन एंड एफ टू इंटीग्रेबल है तो ड्रबोक्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ड्रबोक्स थ्योरम क्या बोलती है, बाय ड्रबोक्स थ्योरम यू पी एफ और जो अपर इंटीगल होगा, अपर इंटीगल क्या होता है इन्फिमम होता है, सो इन्फिमम प्लस एप्सिलॉन बेसिकली ए टू बी एफ वन डी एक्स प्लस एप्सिलॉन जो होगा इन्फिमम प्लस एप्सिलॉन, तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिससे ये बड़ा होगा, ठीक है। सो ये ऐसा लिख सकते हैं पी एफ वन, ये ड्रबोक्स थ्योरम हमने देखी थी, तो दिस इज ट्रू फॉर ईच पी फॉर विच नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, ये ड्रबोक्स थ्योरम की ये मैंने डिस्कस की थी। तो ऐसे ही पी टू के लिए भी वी कैन राइट यू फंक्शन पी टू ए से बी एफ टू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, चलो इसको एप्सिलॉन बाई टू कर देते हैं, ठीक है। अब देखो फर्दर ये जो इनइक्वालिटी हमने डिस्कस की अभी, ये इनइक्वालिटी या ये दिस वन या दिस वन दिस इनइक्वालिटी दिस इज यूजफुल, यू पी एफ इज लेस देन देखो पहली बात तो ए से बी एफ एफ किसको बोल रखा आपने एफ वन प्लस एफ टू डी एक्स जो होगा देट विल बी लेस देन यू यू पी एफ बिकॉज ये जो है ये तो इन्फिमम है सबका तो इससे छोटा ही होगा, बट दिस इज लेस देन यू पी एफ वन प्लस यू पी एफ टू, ये मैंने अभी देखा है हमने ये इस इक्वेशन से बोल सकते हैं, ये जो इक्वेशन है या फ्रॉम दिस वी कैन से दैट यू पी एफ इज लेस देन यू पी एफ वन प्लस यू पी एफ टू। अब देखो अब क्या किया जा सकता है, बट दिस ये यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो, बट दिस टर्म मीन्स इन दोनों को ग्रेड किया जाए तो दिस इज लेस देन
अब देखो ये क्योंकि F1 और F2 इंटीग्रेबल है तो इसको हम सिंपली ए बी F1 dx ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ए बी प्लस A2 b F2 dx, और एफ स्नो बाई टू प्लस एफ स्नो बाई टू हो गया एफ स्नो, और वेन एवर म्यू ओ पी मीन्स नॉर्म ओ पी इज लेस देन डेल्टा, ये हो गया क्योंकि ड्रॉबॉक्स सम है तो ये कंडीशन तो है ड्रॉबॉक्स थ्योरम, बस ये हो गया। तो इसको इसका मतलब तो ये हो गया ना कि A2 b F dx माइनस A2 p F1 dx प्लस A2 b, या इस पे माइनस कर दो F2 dx, इसका जो मॉडुलस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस नॉर्म इज लेस देन डेल्टा। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दिस इज नथिंग बट लिमिटिंग कंडीशन। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि A2 b F dx इज इक्वल्स टू A2 b F1 dx प्लस A2 b F2 dx, ठीक है आंसर। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अच्छा जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन मैंने डिस्कस की थी तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन टेंस टू जीरो इफ दिस व्हेन द लिमिट इज नॉर्म टेंस टू जीरो अपर डरपोक सम कोरस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी माइनस लोअर डरपोक सम कोरस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए देन अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल इन ए कोमा बी, ठीक है, वेयर दिस पी इज वन ऑफ द पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल ए कोमा, ठीक है। सो उसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसी को वैसे वो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड में लिख दिया था, ठीक है। सो डायरेक्ट इसको याद रख लो, ठीक। सो आई होप समझ में आता है। सो ऐसे ही ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि मान लो अगर सेम चीज़ है, इफ F1 एंड F2 आर बाउंडेड फंक्शन इन ए कोमा बी एंड इंटीग्रेबल एज वेल देन शो दैट F1 माइनस F2 इज ऑल्सो इंटीग्रेबल एंड इंटीग्रेशन F1 माइनस F2 dx A2 b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F1 dx A2 b माइनस इंटीग्रेशन A2 b F2 dx, ठीक है। डिट्टो प्रोसेस फॉलो होगा, बस इसमें चेंज क्या होगा, इसमें देखो अगर हमने माना जैसे F1 का डेल एक्स आर इंटरवल में एक्स आर माइनस वन से एक्स आर इन सब इंटरवल में अगर मिनिमम वैल्यू एम आर डेस और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम आर डेस है, एफ टू की एम आर डबल डेस और कैपिटल एम आर डबल डेस है, तो देखो इसी को अगर माइनस थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा एम आर डबल डेस माइनस F2 इज लेस देन स्मॉल एम आर डबल डेस। तो अब इन दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके जो अपर बाउंड्स होंगे एम आर डेस माइनस एम आर डबल डेस और एम कैपिटल एम आर डेस ये भी माइनस होगा माइनस एम आर डबल डेस हो जाएंगे, ठीक। तो उस हिसाब से वहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे बस माइनस है आ जाएगा, डिटो प्रोसेस फॉलो, ठीक है। सो ये उस टाइप से किया जा सकता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। अच्छा अब देखो एक एक और बेसिकली थ्योरम या क्वेश्चन बोल लो, जो कि जैसे ये तो हमने किया सम और सब्स्ट्रक्शन में, अगर मान लो F1 एंड F2 टू आर टू बाउंडेड फंक्शन एंड दे आर इंटीग्रेबल इन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी देन सो दैट F1 F2 इज आल्सो F1 मल्टीप्लाइड बाई F2 इज आल्सो इंटीग्रेबल और F1 डिवाइड बाई F2 इज आल्सो इंटीग्रेबल प्रोवाइडेड दैट 1 बाई F2 इज आल्सो अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। ओके एंड दिस लेमडा या लेस देन लेमडा वेयर लेमडा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि F2 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन लेमडा, ऐसा बोल दो दैट इज बेटर। मॉडुलस F2 इज ग्रेटर देन लेमडा वेयर लेमडा इज पॉजिटिव, जीरो नहीं है, देन F1 बाई F2 भी इंटीग्रेबल हो, ठीक है। इन सब के लिए एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आसान सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा जनरली इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसे ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इतना आसान पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। देखो ये है कि ऑसिलेशन
ये मैंने बताया था, ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल ए कोमा पी, ऑसिलेशन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑसिलेशन ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन एफ इन इंटरवल ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट मॉडुलस एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, ठीक है, वेयर एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक। सो बेसिकली इस टाइप का ही जो सेट बनेगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का मॉडुलस, जितने भी एक्स वन एक्स टू के ए कॉमा बी से वैल्यू लेंगे उन सब का, और इफ वी टेक सुप्रीमम देन दैट विल बी इक्वल टू ऑसिलेशन ऑफ फंक्शन इन ए कॉमा बी। या एफ एक्स जो है जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, ठीक है। सो मान लो कि जो एफ एक्स है उसका लोअर बाउंड स्मॉल एम है और अपर बाउंड कैपिटल एम है, ठीक है। तो इसमें कोई से भी एलिमेंट ले लो, एफ एक्स वन या एफ एक्स टू, ऐसे कोई से भी ले लो, सब का बाउंड यही रहना है, ठीक। तो अगर माइनस एफ एक्स टू की बात करें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ जाएगा माइनस एम और ये इधर चला जाएगा माइनस एम। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, मान लो ये इसको एफ एक्स टू को यहाँ से हटा दो, ठीक। तो अगर ऐड किया जाए तो क्या आएगा, स्मॉल एम माइनस एम इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन कैपिटल एम माइनस एम। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज माइनस एम माइनस एम, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन एम माइनस एम, एक ही बात हुई, ठीक है। अब देखो भाई ये तो समझ में आता है ऐसे क्यों लिखा, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए का क्या मतलब होता है कि एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, बस ए की जगह यहाँ एम माइनस एम वही चीज़ की है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब तो ये हो गया कि इस ये जो है दिस इज बाउंडेड अबव मीन्स एम माइनस एम इज अपर बाउंड ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स वेयर एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का मॉडुलस, ठीक है, वेयर एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि ये अपर बाउंड तो है, बट दिस वी आर नॉट श्योर इफ दिस इज द लिस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम का क्या हम लोग है लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो उसके लिए देखो एक तरीका है, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इनफिमम एंड सुप्रीमम एक्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इनफिमम सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन ए कॉमा बी, ठीक है। यह है तो अभी ये जो मैंने बेसिकली सुप्रीमम इनफिमम डिस्कस किया था वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि अगर मान लो स्मॉल एम जो है अगर वो इनफिमम है, ये कोई भी सेट है, अगर ये एम हो गया कैपिटल एम हो गया, इनफिमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, तो अगर इसमें एप्सिलॉन ऐड किया जाए तो अगर एम प्लस एप्सिलॉन जो होगा, क्योंकि एम इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो एम प्लस एप्सिलॉन कोई भी एक एलिमेंट जरूर होगा यहाँ पे इस एफ एक्स का, ठीक है, उससे ये बड़ा होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये एम जो है लिस्ट अपर बाउंड है तो जो एम माइनस एप्सिलॉन होगा उससे बड़ा एक एलिमेंट जरूर होगा यहाँ पे। इसको मान लो इसको लेट अस से एक्स डैश बोल दो, चलो इसको एक्स डबल डैश बोल दो, ठीक, तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे व्हाट वी कैन से कि एफ एक्स डैश इज लेस देन स्मॉल एम प्लस एप्सिलॉन, एफ एक्स डबल डैश इज ग्रेटर देन कैपिटल एम माइनस एफ, ऐसा बोल सकते हैं, फॉर सम एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश विच बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है, बिकॉज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा जरूर होगा बाई द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इनफिमम वी कैन से दैट।
तो अगर इसको देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए इस सेकेंड वाले को, तो माइनस एफ एक्स डबल डेज विल बी लेस देन माइनस एम प्लस एप्सिलॉन। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या आएगा, एफ एक्स डेज माइनस एफ एक्स डबल डेज। अब देखो इसको अगर ऐड किया जाए तो दिस इज इसको ऐसा कर दो प्लस एप्सिलॉन बाई टू या माइनस एप्सिलॉन बाई टू कर दो, उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, स्मॉल एम माइनस एम प्लस एप्सिलॉन हो गया ये, राइट। अब देखो क्या ये हो गया, और इसको भी कैन से इसको अगर थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, एफ एक्स डबल डेज माइनस एफ एक्स डेज इज ग्रेटर देन कैपिटल एम माइनस एम माइनस एप्सिलॉन, ऐसा बोल सकते हैं। और देखो ये चीज़ जो है ये तो पॉजिटिव है भाई, एप्सिलॉन तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, तो कैपिटल एम माइनस एम तो पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव इनफैक्ट। सो अगर मॉडुलस ले लें इसका दोनों तरफ से एफ एक्स डेज, तो दिस इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का जो मॉडुलस आ रहा है दैट इज लेस देन एम माइनस एम, ठीक है, बट जैसे ही उसमें से माइनस एप्सिलॉन किया तो ये ग्रेटर हो गया। मीन्स इससे क्या समझ में आया, इससे तो ये समझ में आया ना कि सुप्रीमम सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू जो है इसके मॉडुलस दैट इज नथिंग बट एम माइनस एम, विच इज नथिंग बट ऑसिलेशन ऑफ एफ, ऑसिलेशन ऑफ एफ इन ए कोमा बी, ठीक है। ये तो बाई डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम ही हुआ ना, सुप्रीमम क्या होता है, ये सेट हमारा सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड होता है बेसिकली, ये सुप्रीमम में जैसे, तो इसमें जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा एम माइनस एप्सिलॉन उससे एक वाई जरूर बड़ा होगा, तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। ये जो जैसे यहाँ नोट दिस या दिस, ये एलिमेंट बड़ा है इससे जो सुप्रीम माइनस एप्सिलॉन करने से, ठीक है, सो फ्रॉम दिस दिस इज प्रूव। इसका मतलब जो भी है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑसिलेशन ऑफ दैट फंक्शन इन दैट इंटरवल, ठीक है। तो इसका यूज करके वी कैन प्रूव, इसका यूज करके वी कैन प्रूव इफ एफ वन एंड एफ टू आर बाउंडेड इन ए कोमा बी एंड इंटीग्रेबल एज वेल देन एफ वन एफ टू इज ऑल्सो इंटीग्रेबल, ठीक है। ये इस थ्योरम का यूज करके वी कैन इजिली प्रूव। सेकेंड चीज ये सेम चीज रहे, मान लो एफ वन एंड एफ टू आर बाउंडेड इन ए कोमा बी ठीक है, एंड लेट्स से मॉडुलस ऑफ एफ टू इज ग्रेटर देन सम म्यू वेयर म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये कोई भी रियल नंबर है, देन एफ वन टू आर बाउंडेड इन ए कोमा बी and f2 is का मॉडुलस इज ग्रेटर देन म्यू वेयर म्यू इज पॉजिटिव, ऑल्सो f1 f2 आर इंटीग्रेबल इन a कॉमा b, देन f1 by f2 is also integrable in a कॉमा, ठीक है, ये सब इस थ्योरम से ये दिस कैन बी प्रूव, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक, एफ इज बाउंडेड इन ए कोमा बी एंड इंटीग्रेबल एज वेल देन मॉडुलस एफ इज आल्सो इंटीग्रेबल ए कॉमा बी। देखो इसका एक एग्जांपल से देख सकते हैं,
डिरिचलेट जो फंक्शन था हमने डिस्कस किया था, डिरिचलेट, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन वी सो कि दैट इज नॉट रेमन इंटीग्रेबल, ये तो आई थिंक फर्स्ट एग्जांपल आई टुक वाज दिस ओनली। एफ एक्स इज मान लो कुछ भी माइनस वन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल या जीरो बोल दो, ठीक है। और जीरो बोलने से अपना काम नहीं होगा, यहाँ इसको वन ही मानना पड़ेगा, ठीक है। मान लो दिस इज वन, ठीक है। तो देखो ये दिस इज नॉट रेमन इंटीग्रेबल, एफ डजेंट बिलोंग टू आर, मान लो जीरो से वन के बीच देखना है, ठीक है, जीरो से वन, ठीक है। बट अगर मॉडुलस एफ एक्स की बात की जाए तो क्या आएगा, मॉडुलस फिर ये वन ही हो जाएगा। फॉर एक्स बिलोंग टू क्यू रेशनल और इरेशनल मींस फॉर ऑल आर्स एंड वन, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, इट इज इंटीग्रेबल ऑफ कोर्स, दिस इज रेमन इंटीग्रेबल बिकॉज इट तो कंटिन्यूस है, ठीक है। सो कंटिन्यूस फंक्शन आर ऑलवेज रेमन इंटीग्रेबल, सो यहाँ से वी कैन से दैट मॉडुलस एफ बिलोंग्स टू आर जीरो को मोगा, ठीक। अच्छा अगर f इंटीग्रेबल है तो मॉडुलस f तो होगा, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, ये जो एग्जांपल है इस पर फिट बैठता है, ये इसका काउंटर एग्जांपल है बेसिकली। f इज बाउंडेड इन a कॉमा भी इंटीग्रेबल एज वेल, देन मॉडुलस f इज आल्सो इंटीग्रेबल, ठीक है। बट इफ मॉडुलस f इज r इंटीग्रेबल या रेमन इंटीग्रेबल, देन f मे और मे नॉट बी इंटीग्रेबल, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है, ओके। जैसे कि डिरिचलेट फंक्शन ही है, मतलब जो f है वो इंटीग्रेबल बेसिकली नहीं है, पर उसका जो है मॉडुलस f वो इंटीग्रेबल यस। या इसके ऐसे बोल सकते हो कि मॉडुलस f इंटीग्रेबल है बट f इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। बट अगर f इंटीग्रेबल है तो मॉडुलस f तो हो गए,